शुरू करेगा सर, हिसाब की तमाम सर। एक ही खबर थी कि आज आपके साथ जो कुछ हो रहा है केपी में, मतलब जिस तरह के घरों पे हमले हो रहे हैं वो हिस्से की बातें हो रहे हैं सर, जो वहाँ केपी के में जिस तरह चादर चादीवाली की मतलब खत्म हो रही है और चादर चादीवाली को जो कमाल किया जा रहा है, जो कि पख्तून रवायत है, तो कानून में भी इस तरह की गुंजाइश नहीं है और साथ साथ जो है ना पख्तून रवायत है, कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि कभी जो है ना इस तरह लोग घरों में गए, लोग घरों में गलतियां हुई, फिर जो है ना ये छोड़ दे कि मुलाजमीन तक को जो है जिसमें आपका रोल जो है वो बता रही थी प्रोसिक्यूशन जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा था जिसमें मेरे साथ खड़े हैं साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, अनवर खान साहब, साबिक एमएनए हैं पीटीआई के और भी पीटीआई के इस्लामाबाद की लीडरशिप है, इन पे इन्होंने इल्जाम लगाया था एफआईआर में कि इन्होंने क्लाशनकोव और पेट्रोल बमों से मुसल्ला होकर इस्लामाबाद में पुलिस की चौकी चलाई, पुलिस वालों से राइफल ली, पुलिस वालों को जख्मी किया, डायरेक्ट इनके इन्होंने एफआईआर में दावेदारी की थी। आज अदालत ने खुद पूरी फाइल का मुलायदा किया और पता चला कि पूजा पहाड़ निकला छुआ। आज हाई कोर्ट ने इनकी जमानत कंफर्म कर दी है और पुलिस के इस रवैये पर कि पीटीआई की क्यादत के खिलाफ जिस बेदर्दी से और बेरहमी से और जिस तरह फ्रॉडुलेंट ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं उस पर अपनी अपने ताज्जुब का भी इजहार किया और नाराजगी का इजहार किया। ये चीज आज की ये बेल कन्फर्मेशन ये उन एफआईआर में है जिसमें खान साहब की भी अभी बेल होनी है, तो लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने एफआईआर 150 या 180 लगभग जो दर्ज हुए हैं इन सब की यही हैसियत। फालतू तौर पे असद कैसर साहब उस रोज जो है पेशावर में थे, जिस रोज 9 मई को वो होता है, अनवर ताज साहब जो हैं वो शबकदर पे थे और इसी तरह इन तमाम की और सारी चीजें क्यों, बाकी इंसान तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो साइंटिफिक डिवाइसेस है सीडीआर है मोबाइल फोन का या इतने बड़े जलसे या जुलूस या इतनी तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं पर कहीं लोगों की कोई क्लिप नजर आ जाती, कोई वीडियो बन जाती, कोई ऑडियो बन जाती, बस जी जहां पे भी उनको पीटीआई की लीडर का नाम मिला है उन्होंने कहीं ना कहीं एफआईआर में फिट किया है। आज जिसमें आपका रोल जो है वो बता रही थी प्रोसिक्यूशन जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा था जिसमें मेरे साथ खड़े हैं साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, अनवर खान साहब, साबिक एमएनए हैं पीटीआई के और भी पीटीआई के इस्लामाबाद की लीडरशिप है, इन पे इन्होंने इल्जाम लगाया था एफआईआर में कि इन्होंने क्लाशनकोव और पेट्रोल बमों से मुसल्ला होकर इस्लामाबाद में पुलिस की चौकी चलाई, पुलिस वालों से राइफल ली, पुलिस वालों को जख्मी किया, डायरेक्ट इनके इन्होंने एफआईआर में दावेदारी की थी। आज अदालत ने खुद पूरी फाइल का मुलायदा किया और पता चला कि पूजा पहाड़ निकला छुआ। आज हाई कोर्ट ने इनकी जमानत कन्फर्म कर दी है और पुलिस के इस रवैये पर कि पीटीआई की क्यादत के खिलाफ जिस बेदर्दी से और बेरहमी से और जिस तरह फ्रॉडुलेंट ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं उस पर अपनी अपने ताज्जुब का भी इजहार किया और नाराजगी का इजहार किया। ये चीज आज की ये बेल कन्फर्मेशन ये उन एफआईआर में है जिसमें खान साहब की भी अभी बेल होनी है, तो लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने एफआईआर 150 या 180 लगभग जो दर्ज हुए हैं इन सब की यही हैसियत। फालतू तौर पे असद कैसर साहब उस रोज जो है पेशावर में थे, जिस रोज 9 मई को वो पूरा होता है, अनवर ताज साहब जो हैं वो शबकदर पे थे और इसी तरह इन तमाम की और सारी चीजें क्यों, बाकी इंसान तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो साइंटिफिक डिवाइसेस है सीडीआर है मोबाइल फोन का या इतने बड़े जलसे या जुलूस या इतनी तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं पर कहीं लोगों की कोई क्लिप नजर आ जाती, कोई वीडियो बन जाती, कोई ऑडियो बन जाती, बस जी जहां पे भी उनको पीटीआई की लीडर का नाम मिला है उन्होंने कहीं ना कहीं एफआईआर में फिट किया है। आज हक की सतह जीत हुई है और इंशाल्लाह सारे केसेस का यही असर होगा जो आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। बहुत शुक्रिया।